नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कानपुर पब्लिक वॉइस पर। दोस्तों, आज मैं आपको कानपुर के फेमस टूरिस्ट प्लेस जेके टेंपल की यात्रा पे ले चलूँगा और आपको दर्शन कराऊँगा, जेके टेंपल से जुड़े सारे तथ्यों को कि ये मंदिर कब बना और यहाँ पे कौन कौन से देवताओं की मूर्ति विराजमान है, यहाँ के प्रमुख आकर्षण क्या हैं और जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं कानपुर जेके टेंपल से, उनका इतिहास और उनकी स्थापना, वो सब मैंने यहाँ पे दे रखी है। आप इनको जल्दी से रीड कर लीजिएगा और इससे आपको सारी नॉलेज हो जाएगी कि इस मंदिर तक पहुँचना कैसे है, कब आना यहाँ पर अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों कानपुर के सर्वोदय नगर एरिया में और जहां पर जेके टेंपल स्थित है। जेके टेंपल से 100 कदम की दूरी पर एक स्टैंड लगता है जहां पे सभी लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, फोर व्हीलर और टू व्हीलर भी। और यहां पे टू व्हीलर का किराया 20 रुपये लिया जाता है और मेरे ख्याल से कार का किराया यहाँ पर 40 रुपये लिया जाता है, लेकिन किसी तरह की रसीद आपको नहीं दी जाती है क्योंकि अभी ये जो स्टैंड लग रहा है वो पूरी तरह ऑथराइज नहीं है। चलिए, अब मैं आपको जेके टेंपल के एंट्रेंस गेट की तरफ ले चलता हूँ। ये सामने देखिए, ये एंट्रेंस का गेट है और बगल में निकास का द्वार है और ये आप जो साइड में देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉल लगते हैं, फूड कॉर्नर है और यहाँ से आप बाहर से आप देख रहे हैं जेके टेंपल का नज़ारा जो यहाँ से दिख रहा है। और अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था है। प्रॉपर चेकिंग के बाद यहाँ पर आपका जो भी बैग, झोले, पानी की बॉटल और खाने पीने का सामान है वो यहीं पर आपको छोड़ना पड़ जाएगा अगर आप लेकर आते हैं। मैं आपको जेके टेंपल का कुछ दिन के उजाले की भी आपको पिक्स दिखा रहा हूँ कि ये दिन के उजाले में जेके टेंपल देखने पर कैसा लगता है। और दोस्तों, आप भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको दिन के उजाले में जेके टेंपल का नज़ारा खूबसूरत लगा या रात का नज़ारा आपको बेहद खूबसूरत लगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को बताइएगा। हम एंट्रेंस कर चुके हैं, हम आपको आसपास का नज़ारा और ये जो पीछे के डोर से जहाँ से हम आए, ये पीछे का दृश्य था जेके टेंपल का और यहाँ पे कुछ सूचनाएं लगी इसको भी आप देखिए। और सबसे पहले हम आपको मंदिर के आसपास का नज़ारा पूरी तरीके दिखाएंगे कि यहाँ पर जब आप सायंकाल आएंगे तो आपको कैसा फील होगा, कैसा अनुभव होगा। आपको यहाँ पर अच्छा खासा क्राउड भी दिखेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको जो यहाँ पर शांति मिलेगी और आपके मन मस्तिष्क को जो रिलैक्स मिलेगा उसे आप यहाँ पर आए बिना महसूस नहीं कर सकते हैं। सेठ जुग्गीलाल कमलापति सिंघानिया की स्मृति में जेके टेंपल मंदिर का जो शिलान्यास है, जो स्थापना है, वो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राम प्यारी देवी द्वारा की गई थी। दोस्तों, जो ये मंदिर है उसका जो भी प्रबंधन की व्यवस्था है उसे जेके ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है और करीब 1960 के आसपास इस मंदिर में जो भी देव प्रतिमाएं प्रतिस्थापित हैं उनकी स्थापना के बाद इस मंदिर को आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया था। और दोस्तों, आज के समय में भी जेके टेंपल की खूबसूरती और यहाँ की जो शांति है, यहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसका अनुभव जो भी यहाँ आने वाले लोग हैं वो सभी करते हैं। और आप भी अगर यहाँ पर एक बार आएंगे तो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के शांत माहौल और यहाँ की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको आप ज़रूर ही महसूस करेंगे। दोस्तों, शाम के समय जेके टेंपल का नज़ारा बेहद ही सुकून देने वाला और बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पे चारों तरफ लाइटों की व्यवस्था है और ये बैक साइड से मैं जेके टेंपल का आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ आसपास भी लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, दर्शन के लिए आए हुए हैं और यहाँ आसपास काफ़ी बड़ा मैदान है, पार्क हैं जहाँ पर लोग टहल सकते हैं, ताज़ी हवा ले सकते हैं। और आगे चल कर एक सुंदर सी झील भी बनी हुई है जिसका भी मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ। और ये देखिए, इस पे जो जेके टेंपल है इसकी जो 5 गुंबद हैं वो इस जेके टेंपल मंदिर की भव्यता को 4 चांद लगाते हैं। और झील का ये सुंदर नज़ारा देखिए जिसके आसपास लोग इकट्ठा हैं और झील की सुंदरता के साथ जेके टेंपल की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो 5 गुंबद हैं इनमें बीच वाला गुंबद सबसे बड़ा गुंबद है
और अब मैं आपको मंदिर के मुख्य द्वार का बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा दिखाने वाला हूँ। लेज़र लाइट के जरिए भगवान महादेव की प्रतिमा उस बड़े गुंबद पर बन रही है और कितनी ही अद्भुत प्रतीत हो रही है। इसके बाद देखते हैं अगली आकृति कौन सी बनने वाली है। ये स्पेशल लेज़र लाइट शो है और सायंकाल इसका नज़ारा अद्भुत होता है जो देखने को मिलता है हम लोगों को। और ये भगवान श्री कृष्ण हाथों में बंसी लेकर सभी लोगों को अद्भुत रूप से दर्शन दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है लेज़र लाइट का। और अब देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर फोटो प्रदर्शित होने वाली है। और ये श्री हनुमान जी महाराज हैं गदा के साथ। अद्भुत अद्भुत दृश्य है लेज़र लाइट शो का। और इसके बाद मैं आपको बहुत ही बेहतरीन फवारों का यहाँ का जो म्यूजिकल फाउंटेन है उसका भी दृश्य आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और जहाँ पर भजनों की धुनों पर जो पानी रोशनी और म्यूज़िक है ये इस तरह अटखेलियाँ करते हैं कि देखते ही अद्भुत छटा दिखाई पड़ती है। पानी रोशनी और आध्यात्मिक संगीत के साथ यहाँ पर जो इल्यूजन पैदा होता है वो बेहद ही रोमांचकारी होता है। आप एक पल भी आंखें बंद किए बगैर इसको देखना चाहेंगे, टकटकी लगाकर देखना चाहेंगे। और इसके बाद मैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हनुमान चालीसा की धुन पर म्यूजिकल फाउंटेन की ये जो अटखेलियाँ हैं इनका मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। और इस बीच मैं आपको इन दुर्लभ तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहा हूँ, आप इसका पूरा आनंद लें। Thank you.
दोस्तों मंदिर तक आने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ पे बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन और बाय रोड बड़े आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। आपको पूरे संसाधन और यहाँ के जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सो गाइज़, अगर आप अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। और विशेषकर आप समय का ध्यान रखिए, अक्टूबर से लेकर मार्च का जो समय है वो बेहद ही आपके अनुकूल रहेगा यहाँ पे घूमने फिरने टहलने के लिए। उस समय इतनी गर्मी भी नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअली मार्च यानी होली के बाद यहाँ पर गर्मी पड़ना शुरू होती है, उसके बाद बारिश का सीज़न आ जाता है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट समय है। आप फुली यहाँ पर आ सकते हैं और अपने मन को रिलैक्स कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। और आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर आ सकते हैं और आपको यहाँ पर आने के बाद जो संतुष्टि होगी वो बेहद ही आनंदपूर्ण होगी। आप बिल्कुल यहाँ पर आइए एक बार और इस अद्भुत दृश्य और रोमांच को महसूस करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं इसके बारे में भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ऐसी एक बेहतरीन प्रस्तुति के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे ऐसी एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी को मेरा धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा और अपने सुझाव और विचारों से हमको ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो पर।